राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत इन दिनों फिल्म जेलर की सफलता का स्वाद चख रहे हैं। हाल ही में वे कोयम्बटूर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए, जहां फैंस की भारी भीड़ ने उन्हें घेर लिया। रजनी यहां एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं। एक मीडिया इंटरेक्शन में उन्होंने बताया कि उनका प्लान आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू से मिलने का था, पर इस फैमिली इवेंट की वजह से वो प्लान कैंसिल करना पड़ा। सोशल मीडिया पर रजनी के कई वीडियोज वायरल है। इन वीडियोस में एक्टर एयरपोर्ट पर फैंस से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। इस मौके पर रजनी ने भी हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया, साथ ही कई लोगों से हाथ भी मिलाया। यहां कुछ फैंस रजनी के लिए गुलदस्ता तो कुछ उनकी पोर्ट्रेट लेकर पहुंचे। कई उनके साथ सेल्फी खिंचवाने की कोशिश करते दिखे, सभी उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। मीडिया इंटरेक्शन के दौरान रजनी ने अपनी अगली फिल्म से जुड़ी अपडेट भी शेयर की। उन्होंने बताया कि वे पहले सन पिक्चर्स की फिल्म थलाइवर 170 की शूटिंग पूरी करेंगे। इसके बाद डायरेक्टर लोकेश कनागराज की फिल्म लियो की शूटिंग शुरू करेंगे। लियो में थलपति विजय, संजय दत्त और त्रिशा कृष्णन अहम रोल में नजर आएंगे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।